हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख और आप देख रहे हैं सर्किट टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेस्ट वीपीएन एप्लीकेशन के बारे में। गाइस, एप्लीकेशन होता क्या और किस प्रकार से काम करता है, इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो कहीं भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, एक वर्ल्ड वाइड सर्वर एप्लीकेशन है जिसके अंदर यहाँ पर आपको टोटल सर्वर इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, जिसके अंदर यहाँ पर आप कनेक्टिविटी लेके और इसको यहाँ से चला सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली एप्लीकेशन को कर लिया ओपन। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जिसके अंदर यहाँ पे आपको इस प्रकार से पेज दिखाई देगा, जिसके अंदर यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन दिख रहा होगा और उसके नीचे एक साइड पट्टी दिख रही होगी जिसके अंदर यहाँ पे टोटली सर्वर अवेलेबल है। तो जिसके अंदर यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे पूरी कंट्रीज़ के यहाँ पे जितने भी कंट्रीज इसके अंदर जैसे कि अवेलेबल है, वो यहाँ पे आपको सभी प्रकार के सर्वर इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत सारी कंट्रीज़ के सर्वर इसके अंदर अवेलेबल है दोस्तों, जिसके अंदर यहाँ से आप जिस किसी भी कंट्रीज़ का सर्वर को यहाँ पे कनेक्टिविटी लेके आप यहाँ से उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंगापुर का ले लेता हूँ डायरेक्टली, और डायरेक्ट सिंगापुर का यहाँ पर कनेक्टिविटी यहाँ पर मेरी स्टार्ट हो चुकी है। तो सिंगापुर का यहाँ पे कनेक्टिविटी ले चुका हूँ मैं, जो कि मेरी यहाँ से कनेक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी स्टार्ट होने के लिए यहाँ पे कुछ सेकंड वेटिंग हो जाएगा, जिसमें यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो आपने यहाँ मैं यहाँ पे सिंगापुर की कनेक्टिविटी ले चुका हूँ, तो यहाँ से आपका देख सकते हैं कि मेरा सिंगापुर का यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है सर्वर। तो इस प्रकार से अगर इसको यहाँ से कनेक्टिंग है, तो इसको अगर डिसकनेक्ट करना है तो इस पर यहाँ पर कर दूंगा मैं टच और यहाँ से डायरेक्टली डिसकनेक्ट हो गया है। अगर इसी का सर्वर को यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है तो यहाँ से इसको कर देना ऑन, कनेक्टिविटी कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली। अगर दूसरा चाहते हैं तो ये इस पर आना है एरो का ऑप्शन पर। एरो का ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर जिस किसी भी कंट्रीज़ का जैसे कि आप लेना चाहते हैं उसके कंट्रीज़ को यहाँ पर जो कि आप यहाँ से उसको टच कर लेना है। उस कंट्रीज़ के सर्वर को टच करने के बाद यहाँ पे जो कि वीआईपी सर्वर होंगे, तो जो आपको अवेलेबल ना हो पाए और यहाँ पे जो अन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है जो, तो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ से जो कि जो फ्री में वीपीएन से यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ से वो आपको अवेलेबल आराम से हो जाएंगे। तो यहाँ से वो कनेक्टिविटी ले लेंगे आप। तो मैं यहाँ से कनाडा का यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ दोस्तों, तो यहाँ से इस प्रकार से कनाडा का ले चुका हूँ मैं। तो यहाँ से मेरा कनेक्टिंग हो चुका है। इसके बाद अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड ऑटोमेटिकली यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपको यहाँ से ऊपर से दिख नहीं पा रही हो एक सेकंड के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ से कनेक्टिविटी भी हो जाती है। थ्री डॉट के ऊपर आ जाना है यहाँ से दोस्तों, जो कि आपको यहाँ से सम्प्लीट यहाँ पर जैसे कि वीआईपी सर्वर अवेलेबल है तो उसका अमाउंट दे के आप यहाँ पर वीआईपी सर्वर को भी यूज़ कर सकते हैं। आपका अकाउंट इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं आप। इसको अगर यहाँ से अपन अपने फ्रेंड के अंदर शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कर सकते हैं, और इसके अंदर अबाउट भी देख सकते हैं इसका वर्जन, ये वर्जन अबाउट भी इसका देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का। तो इस प्रकार से यहाँ से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं आप। तो बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जो कि आप यहाँ से यूजिंग एक बार फर्स्ट टाइम कर लेना है दोस्तों इसको। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।